We are the main entrance of Pearl Continental Lahore, and thank you very much, nice of Jaramander Pearl Continental Lahore, the diamond and the jewel of Hashwani Sir. Thank you very much. So lovely team. Thank you very much. हम बेहद ममनून हैं कि जनाबे मोहतरम आशवानी साहब जिन्होंने अपने इस प्रोफेशनल मोस्ट प्रोफेशनल द वेरी डिसेंट फ्रेंड ऑफ अस जनाब मलिक गुलकार साहब जनरल मैनेजर को ये नॉमिनेट किया कि वो आज रॉयल न्यूज़ के प्रोग्राम बाकमाल लोग में जीनत बाकमाल लोग बने. सो यू कैन सी द बाकमाल पीपल ऑफ पर कॉन्टिनेंटल आर अराउंड मी. अभी हम आपको उनसे मुलाकात करवाएंगे. अभी हम आपको हाशवानी साहब की उन गलियों में लेके जाएंगे जहाँ से एक माँ ने एक सदरुद्दीन को जन्म दिया और फिर वो सदर ही बनता गया और पूरी दुनिया में उसने दरो दीवार पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम लिख दिया. हम आप देखिए कि एक शख्स जिस सारी जिंदगी की जमा पूंजी अपने मुल्क में लगाई, सरे महल नहीं बनाया, स्विट्जरलैंड के लैंड के बैंकों में नहीं रखा, जो कुछ था कमाया यहीं लगाया और फिर एक रोजगार का बहुत बड़ा शिप तैयार किया जिसमें लाखों लोग आज पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं. पर कॉन्टिनेंटल की ये तराशे वगैरह ये अपने गेस्ट का कैसे ख्याल रखते हैं हम आपसे मुलाकात कराएंगे. यहाँ लॉन्ड्री क्या करती है, कैसे धोती है, धो के निखार देती है, खुराक कैसे दी जाती है, लोगों को क्या खिलाया जाता है, शहर में क्या खिलाया जा रहा है, गधे और यहाँ हिरन खिलाए जा रहे हैं. आप देखिए, आप एंजॉय करेंगे, इससे खूबसूरत क़ौम कमाल आपको देखने को नहीं मिलेगा. थैंक यू. मैं अपने नहायत ही मोहतरम जनाब नवीदुल हसन साहब को मशहूर हूँ कि वो बिलाखिर आस्ताना लॉन्ड्रिया छोड़ा और हमें लेने के लिए खुदकशी. आपने हमेशा मोहब्बत फरमाई और जिस तरह आप लोगों को निखार के लिबास देते हैं आप अंदर से भी देते हैं. कंग्रेचुलेशन टू जनाब, कंग्रेचुलेशन टू ऑनरेबल जनरल गुलकार साहब जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोफेशनल टीम जो है उसको जीनत बाकमाल लोग बनाया. शाह साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. आपने हमें मोहब्बत से यहाँ बुलाया और मलिक साहब ने बुलाया जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर हैं साशा साहिबा उनकी टीम. वी फाइंड नो वर्ड ऑफ थैंक्स. नाज़रीन देखिए, आपको ये सुन के हैरानी होगी, ना तो ये यूरोपीय यूनियन का कोई हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में खड़ा हूँ, ना ये होटल ऑफ फ्रांस है और ना ही ये रूज़वेल्ट ऑफ अमेरिका है. ये एक दरवेश मन शख्स सदरुद्दीन माँ ने नाम रखा, सदरुद्दीन मालिक ने ताज पहनाया. गवादर की एक छोटी सी समुंदर के किनारे एक बड़ी ही गैर तरक्की याफ्ता बस्ती में पैदा हुए, तो 8 दहाइयाँ वो पैदा हुए वहाँ. क्या ख्याल आया, क्या सोच आई, क्या माँ ने दुआ दी कि पूरे पाकिस्तान में नहीं, एशिया में जहाँ जिस ईंट को हाथ लगाया सोने की बन गई, जिस दीवार पे जो जिस बुनियाद पे जो दीवार चुनी वो दीवार सोने की हो गई. पाकिस्तान का नाम रोशन करने में इतनी मुश्किलात आई, किसी ने कहा सब कुछ छीन लो, लेकिन वो डटे रहे. जनाब सदरुद्दीन हाशमानी साहब की सेहत के लिए हम दुआगो हैं. उनके सेक्रेटरी सदफ साहब ने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि जूँ ही उनकी सेहत ठीक होगी वो दुबई से वापस तशरीफ लाएंगे, वो खुद बाकमाल की जीनत बनेंगे. लेकिन इस दौरान हम बेहद ममनून हैं कि जनाब मलिक गुलकार साहब ने इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी और रॉयल न्यूज़ की इस टीम को ये शर्फ हासिल हुआ कि आज इस दुनिया की हसीन इमारत में हम प्रोग्राम बाकमाल लिए आपके साथ मौजूद रहेंगे. मलिक साहब से चिट चैट कराएंगे, उनके अमले से मिलवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि वो पेरिस क्या करेंगे. तो आइए हम मलिक साहब को ढूंढते हैं. वो अभी मुस्कुराते हुए हंसते हुए अटकेलियाँ करते हुए कहीं से नमूदार होंगे और हमारे साथ गपशप करेंगे. थैंक यू वेरी मच, मोर देन वेलकम. नाज़रीन आपको हमने बताया कि अभी कहीं से
बिल्कुल हंसते मुस्कुराते अचकेलियां करते हुए स्टाफ के साथ हंसते, कोई शाउटिंग नहीं, कोई रोब नहीं, कुछ नहीं, एक बड़ा यार बादशाह शख्स मलिक ज़ुल्फ़िकार बरामद होंगे। और वही हुआ, हंसते मुस्कुराते तशरीफ लाए, खुले बाजुओं से रिसीव किया। और हम आज सिर्फ उनसे पहले ये पूछेंगे कि मलिक साहब हमें बताएं कि प्रोग्राम बाकमाल की टीम आपके यहाँ आई, कैसी लगी? प्रोग्राम आप देखते हैं बाकमाल लोग रॉयल न्यूज़ का, इस पे अपनी मोहब्बत भरा इजहार कीजिए, उसके बाद अगली गपशप आपसे करवाते हैं। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम तारीफें अल्लाह सुबहान व तआला के लिए हैं। मैं अपने भाई जनाब यकूब जावेद साहब और रॉयल टीवी की टीम का नहायत मशकूर हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके चैनल के ऊपर आएँ और आपके सवालात का जवाब दें। सो थैंक यू वेरी मच, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, एक आम क्वेश्चन तमाम 19 करोड़ अवाम में जो वालदैन हैं आस लगा के बैठते हैं कि मैट्रिक का, इधर मैट्रिक एक ऐसा मोड़ है जिसके बाद बच्चों का कैरियर शुरू होता है, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। मलिक साहब अपने महल्ले च लैके चलो, जिथे तुसी मैट्रिक की थी और की उस्ताद सन, वालदैन दी की ख्वाहिश सी, और फिर जो आपने सोचा क्या वही बने, या बनने तो आप चाहते थे दिलीप कुमार और हाशवानी साहब के, आप हीरे हुए तराशे बन गए, तराशे हुए हीरे बन गए। जी बड़ा अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, इसमें अल्लाह सुभान व तआला की फजल व करम के बाद अगर मैं किसी को सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूँ तो वो मेरे दादा जान मरहूम। मेरे दादा मरहूम जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले एक स्कूल के हेड मास्टर थे, उस्ताद मोहतरम। जी मेरे जो दादा जान मरहूम है वो एक स्कूल के हेडमास्टर, गांव में स्कूल, वही मैं कह रहा हूँ कि उस्ताद मोहतरम जी। और वो सारी ज़िंदगी मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि सबसे बड़ी दौलत वालदेन अगर अपनी औलाद को दे सकते हैं तो वो तालीम का जेवर है, क्योंकि अगर आप अपनी औलाद को पढ़ाएं लिखाएंगे नहीं तो पीछे आप अगर कोठियां और महल्लात ही छोड़ जाएं वो बेच तो किसी काम के नहीं। मतलब मैं यहाँ एक छोटी सी ऐड करूँगा कि आपके दादा की सोच भी वही थी जब पाकिस्तान का नज़रिया, दो कौमी नज़रिए ने जन्म लिया, ये शोला भड़का, तो सर सैद ने कहा तालीम तालीम तालीम, और फिर उन्होंने अंग्रेज़ी की तालीम के लिए कॉलेज खोले, स्कूल खोले। बिल्कुल, खुदा गरी के रहमत करे आपके दादा जी। तो हुआ ये जनाब कि मैंने मैट्रिक जो है अपने उसी स्कूल से किया, और वहाँ पे ये था कि प्राइमरी स्कूल में हम लोग टाट पे बैठ के हम लोग पढ़े, उर्दू मीडियम स्कूल था। एंड फिर आगे वो हाई स्कूल बन गया, मिडिल था फिर हाई बन गया। तो जब हम 9th क्लास पे आए तो फिर हमें फर्नीचर वगैरह भी मिल गया, यू नो, डेस्क वगैरह और कुर्सियाँ वर्सियाँ। नाज़रीन देखिए, जो तारीख में इंसान बड़े बने, जन्म, परवरिश, टाट, मिनरल वाटर नहीं था, दरख्त, सायादार दरख्त, वो भी थे या नहीं थे, फिर वहाँ से जितनी जनरेशन उठी, जो लोग वहाँ से उठे वो पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा नाम पाया। एचिसन नहीं था, बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल नहीं थे, अब तो मलिक साहब इंडस्ट्री बन गई। जी बिल्कुल, आपको और मुझे एजाज़ है कि हम टाट मीडियम से इस मुल्क का अल्हम्दुलिल्लाह आला लोगों में हम शुमार होने लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5वीं क्लास में स्कॉलरशिप लिया, वजीफा कहते थे उस दौर में, और बड़ा बड़ा वो सीएसएस का एग्जाम था सर। 8th में मैंने स्कॉलरशिप लिया, 10th में मुझे स्कॉलरशिप मिला। मलिक साहब दादाई दी वजह नाल सी या आपको पढ़े पढ़े सी? जी दादाजी हेडमास्टर साहब, वो जाहिर है इंस्पायरेशन उनकी तरफ से थी और घर के अंदर पढ़ने लिखने का माहौल था माशाल्लाह। हालांकि हम गांव के लोग थे और ये एक बड़े मशहूर मीडिया पर्सन थे पीटीवी के ज़माने में, आई डोंट नो आजकल आते हैं कि नहीं, मुस्तनसर हुसैन तारड़। जी जी, तो ये हमारे गांव गए थे और हमारे घर पे इन्होंने एक ड्रामे की शूटिंग की थी। अच्छा जी, इन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट हमें हमारे गाँव को दिया था कि ये पाकिस्तान का पेरिस है और यहाँ पे 1960 ऑनवर्ड से एजुकेशन का रेशो 100% लिटरेसी रेट 100% लिटरेसी रेट 100% और उसकी बुनियाद सरदार भगत सिंह का कायम किया हुआ वो स्कूल जो कि आज भी वहाँ मौजूद है वो था बेसिक। सो ग्रेट पीपल। ये हुआ जी कि उसके बाद मैं फिर कॉलेज में चला गया, मैंने FSC किया। तो मेरे वाल साहब की ख्वाहिश ये थी कि मेरा बेटा जो है वो फौजी अफसर बने,
सो उनकी ख्वाहिश के एहतराम के तौर पे मैंने जो प्रोसेस होता है यू नो वो रिटन टेस्ट मेडिकल इंटेलिजेंस टेस्ट ये वो उसमें गया, लेकिन मेरा दिल नहीं था फौजी बनने का। और खास करके जब मैं ICSB कुहाट में 3 दिन गुजारे तो मैंने देखा कि भाई काम बड़ा औखा है, लाइफ है, सुबह सुबह पीटी भी करवाते हैं, ठंडे पानी नहलाना है, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम बड़ा औखा है। मैं डर गया। तो जब इंटरव्यू हुआ, हालांकि आई डिड वेरी वेल, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो पहले सवाल उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश में उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने जवाब दिया कि जी सच्ची बात यह है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम हेयर टू प्लीज माई फादर। तो फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू में फेल कर दिया और साथ ये भी कहा कि यू हैव वेस्टेड योर टाइम एंड आवर टाइम टू एंड थैंक यू वेरी मच, माफी मांग के बाहर निकल आया। देन मैंने ग्रेजुएशन किया और BSc मैंने फिजिक्स और डबल मैथ के साथ की, माशाल्लाह। तो मतलब होटल की तरफ आने का कोई रुझान या कोई ख्याल था? मलिक साहब अभी धक्का के नहीं देता, तुझे पैरा स्टोर गए। हाँ जी, अब क्या हुआ जी कि मैं जब इम्तहान दिया हुआ था ग्रेजुएशन का तो मैं फारिग था, तो मेरा एक जो क्लास फेलो था उसको इस्लामाबाद मैरियट जो उस वक्त हॉलीडे इन कराता था, आजकल मैरियट है, यहाँ पे कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रहा था, वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो सूट शूट में जाता था बड़ा क्लीन और बड़ा वो, तो उसको देख के तो शौक पैदा हुआ। मैंने एक दिन से पूछा, मैं यार तू किधर जाता है? तो कहने लगा भाई मैं मैनेजमेंट वहाँ पर ट्रेनिंग करता हूँ और तुम अगर आना चाहते हो तो वो दे आर लुकिंग फॉर मोर पीपल, तो आ जाओ इंटरव्यू करो। तो वो एक जनरल मैनेजर थे महमूद मसूद, जो सैयद अहमद खान की फैमिली से थे। अच्छा, वो भी आपके मीडिया पर्सन थे, ड्रामे वगैरह में आया करते थे काफ़ी। उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया एंड ही हायर्ड मी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी। अच्छा, नाउ वहाँ तो स्टार्ट हो गया। हुआ ये कि मुझे बगैर किसी कोई डिटेल ट्रेनिंग तो के बगैर एक दिन मेरी ड्यूटी किसी ने डाल दी रिसेप्शन पे। अच्छा, वहाँ पे एक गोरा आ गया और उसने मुझसे इंग्लिश में सवाल किया। वो गोरा बाय द वे बाद में मेरा बेहतरीन दोस्त बना, वो क्रिस क्रो नाम था उसका और वो एक जर्नलिस्ट था और इंग्लिश था। वो आया और उसने कंप्लेंट्स की इंग्लिश में कुछ रूम के बारे में, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। अब मैं चूँकि गाँव से आया हुआ था, मेरी इंग्लिश वगैरह तो इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैं उसके सामने सर हिलाता रहा। मैंने कहा कि यस सर, आई अंडरस्टैंड। तो काफ़ी देर उसने देखा कि सर हिला रहा है, अंडरस्टैंड कर ही जा रहा है। मुझे वो कहता है कि यू इडियट, यू अंडरस्टैंड नथिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, कॉल योर मैनेजर। अच्छा जी, तो मैंने अपने मैनेजर वतूर साहब मरहूम, फ्रंट ऑफिस मैनेजर होते थे हमारे, मैंने उनको बुलाया, मैं जी आप हैंडल करें। एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज टू स्टार्ट विद, यार बड़ी बेइज्जती है। अच्छा, एंड आई वेंट इनसाइड, अंदर जाके मैं बैठ गया। बैठ के तो देन बस एक ख्याल जहन में आया कि यार बात तो उसने बड़ी ठीक की है। यू रियलाइज सर? हाँ, नहीं, ही इज राइट। मैं एक गांव से निकल के शहर में आ गया हूँ ना, और इतनी सोफिस्टिकेशन में आके खड़ा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है ना, मेरे अंदर वो सिविलाइजेशन है जिस सिविलाइजेशन में आके तुम्हें ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सो अब चॉइस मेरी है, हालांकि मैं सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आया था, मैंने आगे फर्दर MSc करनी थी और परहैप्स मैं कोई प्रोफेसर और कहीं बन जाता, कुछ ऐसा होता। बट वो जो उस दिन वो जो टर्निंग पॉइंट था, वो दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट। मैंने उसी दिन बैठ के, तो शायद अल्लाह को मंजूर भी यही था, मैंने ये फैसला किया कि अब देर इज़ नो लुकिंग बैक, मैंने ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है जी, मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ, जो स्किल मेरे पास नहीं है वो मैंने डेवलप करने, वो सबसे पहला जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज का था। सो हम लोग जासूसी डाइजेस्ट और उर्दू के अखबार वगैरह पढ़ा करते थे, मैंने सारे फेंक दिए। उसके बाद से मैंने इंग्लिश पाकिस्तान टाइम्स और इंग्लिश की मैगजीन्स यूसी और इंग्लिश मूवीज और जो भी अवेलेबल होता था, और बातचीत भी इंग्लिश में करनी शुरू कर दी, उल्टी सीधी जैसी भी थी। आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा हो गई। एक तो ये पैदा हुआ। सेकंड जो वाकया था उसी के साथ साथ ये हुआ, चूंकि मैं ट्रेनिंग गया था, कंप्यूटर का दौर नहीं था, तो सारी एंट्रीज आपको मैनुअल करनी पड़ी, सारी मैनुअल। तो मुझे उन्होंने रिसेप्शन पे खड़ा कर दिया, जो सुपरवाइजर थे, और उन्होंने मुझे कहा जी कि जो भी गेस्ट आ रहा है ना उसका डाटा एंट्री इस लेजर के ऊपर करी जाओ, गेस्ट का नाम, ग्रंथ वाला, बड़ा रजिस्टर, शनाख्ती कार्ड का नंबर, रूम नंबर क्या है, रेट क्या है, चेक इन कब हो रहा है, चेकआउट कब करेगा। अब वो सारा दिन मैं लगा हुआ, यू नो 100-150 आदमी चेक इन और चेकआउट दोनों की और दस्ती,
अब मेरे अंदर चूंकि एक तो ये था कि मैं यूज टू नहीं था कि मैं 8-8 घंटे खड़े रहूं, एक तो मेरे पांव जो है वो सूज गए, तकलीफ शुरू हो गई, कमर में दर्द शुरू हो गया, हालांकि आई वाज वेरी यंग मैन। तो मैंने अपने सुपरवाइजर से कहा, मैंने कहा सर ये तो हो गया है, अब आगे क्या, मैं मज़ीद क्या सिखाएंगे मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि लड़के अभी जुमा 2 दिन तो हुए नहीं और तुम्हारी ज़बान बाहर निकल आई है, तू 6 महीने यही काम करेगा। अब वो मुझे जूं जो तकलीफ हो, तो मैं कहूँ नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आई शुड टेक ओवर योर जॉब इन 6 मंथ्स। वो एक फिर एक शुरू हो गया, लगन शुरू हो गई। और फिर ये हुआ कि अल्लाह सुबहान तआला ने मौका दे दिया, मैं बाहर चला गया। मैं जब बाहर गया, आप पेरिस गए मलिक साहब? जी जी, मैं बाहर गया तो पहला तो ये है कि कहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, तो अल्लाह सुबहान तआला ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने फर्दर अपनी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, वो बाहर से हासिल की। पहले मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज किए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिसे कहते हैं आप, प्रोफेशनल। और फिर एक ऐसा भी वक्त आया कि अल्लाह ने मुझे, मेरी फील्ड जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो अल्टीमेट है, दैट इज़ नाउन एज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, वो माशाल्लाह न्यूयॉर्क स्टेट में वो यूनिवर्सिटी है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे मौका दिया, मैं वहाँ पहुँच गया। अच्छा, अब मैं वहाँ से सर्टिफाइड ग्रेजुएट हूँ, और ये आनर जो है, जिन लोगों को इस फील्ड का पता है वो ये जानते हैं कि 5-10% गोरे जो हैं मैक्सिमम होटल मैनेजमेंट के अंदर, वो वहाँ पे गए होंगे, क्योंकि वो बड़ा प्रेस्टिजियस और बहुत बड़ा ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है हॉस्पिटैलिटी में। तो उसके साथ हुआ, फिर मुझे जॉब जो है मिल गई मैरियट इंटरनेशनल में, मैरियट भी अमेरिकन चैन थी, इंटर्नशिप वगैरह मैंने की, तो मैं फिर उसके बाद इंटरनेशनल रीजन में आ गया। तो आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम सऊदी अरेबिया से दिस मैरियट होटल शांजा। अच्छा, वहाँ से वापस सऊदी अरेबिया, काइंड ऑफ सऊदी अरेबिया एक बेस थी और मैं अपनी असाइनमेंट्स पे निकल जाते थे आगे। फिर मुझे इजिप्ट भेज दिया उन्होंने, इजिप्ट के बाद देन आई वेंट टू जॉर्डन, अमान के बाद फिर वापस हम आए दोहा कतर, और दोहा कतर से हम 2002 में, हमें ये डिसीजन करना था कि क्या हम अपनी बाकी फैमिली की तरह बाहर जाके सेटल हो जाएं, या पाकिस्तान, या अपनी मट्टी में वापस लौट आएं। सच्ची बात ये है कि ये क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है, मेरी 3 बेटियां थी बड़ी, दे वर ग्रोइंग अप, और मुझे अमेरिका में सेटल होने का मौका मिल रहा था और कंपनी मुझे सपोर्ट कर रही थी। तो मैंने कहा जी कि ठीक है, गल्फ से अब इस्तर बोरिया बांधते हैं और चलते हैं अमेरिका। तो वाइफ ने कहा कि देखो, ये बच्चियां जब वहाँ जाएंगी, उस कल्चर में बड़ी होंगी ना, तो तुम तो बुनियादी तौर पे एक ट्राइबल आदमी हो, ठीक है, और बड़े कंजर्वेटिव आदमी हो, बेशक तुम होटलों में काम करो जो भी करो, लेकिन बिल्कुल मुसलमान घराने से हो, शाक्स लगेंगे ना जी जी, तो बच्चों का तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, ला वहाँ पे ऐसा है जी जी, तो तुम मेरा दबाव खाओगे कि देखो ये क्या हो रहा है वो, तो यू विल मेक माई लाइफ मिजरेबल एंड घुट घुट के आंसू बहाया करेंगे। हाँ जी, तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपनी मिट्टी की तरफ चलें, हमारे वालदेन हैं, हमारी सोशल कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, हम उस सोसाइटी में अपनी रूट्स में वापस जाएं और वहाँ पे ही हमारा निज़ाम चल जाएगा। अब हुआ ये कि मैंने अपनी फैमिली को पाकिस्तान भिजवा दिया, मैंने उनको ये कहा जी कि आप जाएं, आपको पाकिस्तान जाना मुबारक हो, मैं तो, मेरा करियर है, मैं डिप्टी GM था उस वक्त 1999 में इंटरनेशनल रीजन में। तो मैंने कहा जी मैं तो जाऊँगा US, तो आप चले जाएँ, ठीक है, तो जब छुट्टी होगी 6 महीने में मैं अफोर्ड करूंगा, मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, ये आपको बुला लिया करूंगा। जब फैमिली चली गई तो मैं चूंकि फैमिली के बड़ा ज़्यादा रहा नहीं था, तो 2 हफ्ते के अंदर ही बस मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये डॉलर शॉलर किसके लिए कमाओगे, जिनके लिए कमाओगे वो तुम्हारे साथ ही नहीं है, तो छोड़ो ये सब कुछ, मैंने रिज़ाइन कर दिया। लोगों ने कहा भाई तू पाकिस्तान जा रहा है, वहाँ पर लोग तुम्हें लूट के खा जाएंगे, वहाँ पर काम भी कोई नहीं है, तो वापस आएगा तो क्यों ये कर रहा है। तो मैंने कहा बस ये हमने किश्तियाँ जला ली हैं, अब अपनी मट्टी में ही जाना है और सब कुछ अल्लाह के हवाले है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह जिसने इतनी इज्जत दी है वहाँ भी देगा। यहाँ जब मैं आया जी तो 2002 मेरे ख्याल 2-3 महीने हमने तो खैर थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद जो है वो मैंने कुछ प्रॉपर्टी का बिजनेस करने की कोशिश की कि घर बना के बेचें, उस दिन बड़ा लुक्रेटिव कारोबार था। टोटल कंट्रेरी टू दैट फील्ड। हाँ जी, तो वो अब मैं कहाँ से आया था और किस काम में मैं चला गया, वो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जी कि वो 2-3 हफ्ते में ही
जो है ना मेरी साइड से आटे दाल दब सौ पता लग गया, हो गया वो सीमेंट चोरी हो गया, वो कंट्रेक्टर भाग गया, तो मैं बड़ा जनाब परेशान। तो वाइफ ने मुझे कहा कि तू इस किस चक्कर में पड़ गया, ये तुम्हारी फील्ड नहीं है, व्हाई डोंट यू अप्लाई एंड जॉइन होटल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो वाइफ को मैंने ये कहा कि तुम ऐसे समझो जैसे मेरे सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मलिक साहब जनाब अप्लाई करें और हम उनको आके तो जॉब दे देंगे। बहरहाल मैंने अप्लाई किया तो वेरी नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई अश्वनी साहब के ऑफिस से कि जी आपका इंटरव्यू है कल कितने बजे, तो आप आ जाएं। अच्छा मैं चला गया इंटरव्यू, तकरीबन डेढ़ मिनट का इंटरव्यू था। उन्होंने ये कहा जी कि हमने आपकी सीवी भी है, गॉन थ्रू योर सीवी, एक्सपीरियंस देखा है, आप जैसे लोगों की तो हमें तलाश है माशाल्लाह, लेकिन ये है कि वी आर नॉट श्योर इफ वी कैन अफोर्ड यू, क्योंकि तुम तो बाहर से आए हो तुम्हारे तो जी जी। तो मैंने कहा जी बात ये है कि रिस्क जितना अल्लाह जिसको देता है उसको उतना ही मिलता है, ठीक है जी, मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करता, जो मार्केट के पैकेज आप दे दें। हाँ एक बात ज़रूर है कि अगर तो मैंने देखा कि आप और आपकी कंपनी मेरे करियर डेवलपमेंट में मेरी ग्रोथ में भी मेरा साथ दे रही हैं, वंस आई प्रूव माई सेल्फ फिर तो मैं आपके साथ स्टे करूँगा, और अगर देखा कि ऐसा नहीं है तो मैं आपको सलूट मार के चला जाऊँगा। तो ये 2002 की बात है, तो उसके बाद से आज तक आई थिंक मैं आपको ये बताऊँ कि आशवानी साहब सदरुद्दीन आशवानी साहब हमारे चेयरमैन, उनके बेटे हैं मुर्तज़ा आशवानी जो अभी डिप्टी चेयरमैन जी जी, दे हैव बीन वेरी वेरी काइंड। मैंने कभी मुंह खोल के ये नहीं कहा, उन्होंने कभी मौका ही नहीं आने दिया कि मैं उन्हें कहूँगी जी मुझे ये दे दें या मुझे वो दे दें। एक्चुअली मेरा साहब मेरा ख्याल है वो किसी को ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अरबों रुपया खपाया ना, वो शक्ल नहीं देखते, वो काम देखते हैं और काम उन्होंने देख लिया होगा, अदरवाइज तो एक लम्हा बर्दाश्त ना करे कोई। उसमें फिर ये भी है कि जो एक और चीज़ है जो मुझे एजाज़ हासिल हुआ वो ये कि आशवानी साहब की डायरेक्ट ज़ेर कमान मैंने कुछ प्रोजेक्ट ये काम किया। अच्छा। और मुझे उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। मसलन मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद मैरियट जब ब्लास्ट हो गया, धमाका हुआ था जी, अनफॉर्चुनेट, ठीक है ना जी, और वो होटल जो है बड़ा डैमेज हो गया, बड़ा नुकसान हुआ, राइट। और उस प्रोजेक्ट में जो टीम थी उस टीम में आशवानी साहब ने मुझे भी डाला। अच्छा। तो मेरे वहाँ पर दो काम थे, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है जी, और दूसरा था कि होटल की दोबारा प्री ओपनिंग और ओपनिंग स्टेज ओपनिंग करवानी और फिर उसे चलाना। और मैं उस टीम के साथ था जिसने के माशाल्लाह 88 डेज के अंदर उस होटल को न सिर्फ ठीक रीशेप किया, सॉफ्ट ओपनिंग भी की, ठीक है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और सर मैं आपसे माफ चाहता हूँ, एक गुजारिश करूँगा कि बाहर आप मैरियट में थे, बाहर बिग होटल्स बिग चेन्स 1500 से कम कमरे ही कोई नहीं, रूम्स कोई नहीं, बड़ा नखरा पार्क लेन में हिल्टन, क्या फ़र्क है वहाँ के बॉस के साथ काम करना और एक पाकिस्तानी बॉस के साथ काम करना, हाउ डू यू फील? उसमें अगर मैं कंपेयर, क्योंकि वहाँ तो मालिक भी साथ ही बैठा है और चाय भी पी रहा है और कॉफ़ी भी खुद बना रहा है। अच्छा मैं आपको ये बताऊँ कि वैसे तो बहुत बड़ा फ़र्क है क्योंकि वहाँ Am I right, sir, to put this question? जी बिल्कुल, बाहर जो मैंने काम किया था वो मैंने एक मैनेज्ड कंपनी में काम किया था जिसमें कि बाज़ औक़ात आपको पता ही नहीं होता था कि इस होटल का मालिक कौन है। Yes. क्योंकि आप मैनेजमेंट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपको टारगेट मिलते हैं, आप जाते हैं मैनेज करते हैं और उसके बाद आपकी जॉब आगे चलती है। Nobody cares for the owner. Of course, जब आप एक ऐसे सेटअप में आते हैं जिसको कि आप वन मैन शो कहेंगे जी एक आदमी जो है उसके साथ में काम करूंगा, तो वो एक डिफरेंट होती है बात। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आशवानी साहब जो है और एक जो उनकी सक्सेस और माशाल्लाह इतनी अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी भी दी, एक इतनी बड़ी एम्पायर उन्होंने खड़ी की अपनी मेहनत से, उसमें एक चीज़ ये भी है कि आशवानी साहब जब आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपको किसी जिम्मेदारी पे बैठाते हैं तो फिर वो आपको फुल एम्पावरमेंट देते हैं। ये नहीं करते कि जनाब यू नो तू इस मालियत का चेक नहीं साइन कर सकते, एक ही कीता ही, या तुमने चाय के कप पे टेकन टू द टास्क होना, फुल कमांड। उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने अंडर एक कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस किया अपने ग्रुप के अंदर, ठीक। और बिल्कुल मुझे अभी ऐसे ही लग रहा है जैसे कि मैं बाहर काम कर रहा था वैसे पाकिस्तान, बल्कि उससे भी ज़्यादा एम्पावर्ड मैं फील करता हूँ, क्योंकि आशवानी साहब जब
मुझे जब उन्होंने कोई भी असाइनमेंट दी तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के बाद ये तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मलिक साहब ये बता दें कि दरवेशाना स्टाइल वही है शीशे के गिलास में ड्राइवर मार्का चाय पीने वाला हाशमानी साहब जो जी, वो लश-पश वाला कोई चक्कर नहीं, वेरी वेरी हम्बल मैन और अपनी खुदा तरस हैं, अपनी जाती जिंदगी के अंदर निहायत ही फकीर आदमी। और मैं आपको ये बताऊं, यही रिवार्ड है फिर अल्लाह ताला ने दिया। जी, मैं आपको ये बताऊं कि कभी ऐसा हुआ कि वो रेस्टोरेंट्स में आते और देखते कि रेस्टोरेंट बिजी है तो कभी ऐसा नहीं था कि वो खड़े होकर कहते कि जी मुझे यहाँ पे जगह दो या इधर आओ इधर आओ, ये नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, इसी तरह से अगर रूम चाहिए फ्रेशन अप के लिए और देखते हैं कि होटल फुल है, ही वुड जस्ट गो टू ए पब्लिक वॉशरूम नॉर्मली, ऐसे लगता ही नहीं कि ये ऑनर हैं। मलिक साहब इस पे बहुत खूबसूरत शेख सादी रहमतुल्लाह की हिकायत सुनिए आप जनाबे सदरुद्दीन हाशमानी। मैं तो कहता हूँ कि माँ ने नाम ही कमाल रखा और फिर अल्लाह ने उसको बा कमाल बनाया और आज बा कमाल की जो प्रोग्राम की जीनत है उनके एक स्मार्ट जनरल मैनेजर बरादर अजीज मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा एक हिकायत है कि अंगूर की बेल से पूछा ये येलोश कलर तुम्हारा, ये मिठास इसका राज क्या है? तो मलिक साहब अंगूर की बेल ने कहा कि मैं सारी सैनियाँ तो सिर्फ आगे रहनी हाँ, ये जितने सदरुद्दीन हाशमानी हैं ये हैं चंद, तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने भाग गए, वरना जो शाखें अकड़ के रहती हैं वो टूट जाती हैं, एम्पायर नहीं चल सकते, इदारे नहीं चल सकते। और मकसद मैं आपको यहाँ ऐड कर दूं कि इदारे इस खूबसूरत इमारत का नाम नहीं है, इस खूबसूरत स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, इदारे इसके अंदर जो जूल्स प्रोफेशनल छोड़ दिए हैं जिनको बेसिक ट्रेनिंग क्या दी है, कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, और अगर इस पे अमल होता है तो इदारे बनते हैं नहीं इदारे बनते हैं। जी मलिक साहब, जी आपने चूंकि अश्वनी साहब की बात की तो मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूं कि आपको पता है कि जब मुश्किल हालात आते हैं तो बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और उनको तो जो तंग किया गया जो है बेच बिका के निकल जाते हैं, और अश्वनी साहब वो शख्सियत हैं कि उनका इतना बड़ा डैमेज हो गया, उनका इस्लामाबाद मैरियट तबाह हो गया, फिर दूसरा धमाके करा दिए गए, नुकसान कराया गया, वो पीसी पिशावर के ऊपर हुआ, ठीक है जी, इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद उनका हमेशा पाकिस्तान के ऊपर एक गैर मुतजलजल एक एतमाद और यकीन रहा कि जी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और मुश्किल हालात में भी उन्होंने हमें यही तरगीब दी कि नहीं, हमने पाकिस्तान में रहना है, हमने यहीं इन्वेस्ट करना है, हमने यहीं ग्रो करना है, हमारी कब्रें भी यहीं भी बनेंगी। नाज़रीन मैं आपको तो ये एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। मलिक साहब ने मलिक साहब की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जनाब मोहतरम सदरुद्दीन हाशमानी एक दरवेश मंस खान, जब धमाके करवाए, जब डराया गया, जब छीन लेने की धमकी दी गई तो उस शख्स ने क्या कहा, गायब थे एहतसाब से जब सारे बादाकश, तायब थे एहतसाब से जब सारे बाधा, मुझको ये फखार कि मैं कदे में था, मुल्क नहीं सब कुछ बल्कि जो बाकी भी था वो भी ले आए, औलाद को भी इसी काम पे लगा दिया और कभी ये शिकायत नहीं आई कि यहाँ से एक डॉलर भी बाहर किसी बैंक में रखा होगा। लॉन्ग लिव सदरुद्दीन हाशमानी साहब, उनकी टीम, और ये मुल्क सलामत रहे, ये मुल्क फले फूले, और फिर सदरुद्दीन हाशमानी जैसे नेक फरिश्ता सीरत इंसान गली गली चप्पे चप्पे पे हों, मुल्क तरक्की करे, और फिर हमारे दोस्त जैसे हर जगह हीरे फैलें और हमारा गोल हमेशा ही टूटे। जी मतलब बच्चे सुन रहे हैं तो करियर में और सक्सेस जिंदगी में हासिल करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो आप जो है आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यानी जिसे तजस्सुस कहते हैं, ठीक, सिर्फ एक ये भी होता है अंदर से सोच तड़प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, एक कुछ करने की चीज होनी चाहिए। दूसरी बात ये है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, यू शुड नेवर गिव अप, आपको मेहनत करनी चाहिए, राइट जी, और मेहनत के साथ साथ आपको आसपास अपने माहौल में क्या हो रहा है उसके बारे में सीखना चाहिए। एक बड़े मशहूर आदमी का इंटरव्यू था तो उसने कहा कि आप इतने सक्सेसफुल बन गए हैं
तो उसका राज क्या है? तो उसने ये कहा था जी कि हार्ड वर्क ये पहली बात, ठीक है जी, कि आपने बहुत मेहनत करनी है। दूसरी बात उसने ये कही थी कि इंटेग्रिटी कि आप जो भी करें, ठीक है जी, वकार, आपका कैरेक्टर, आपका कॉन्डक्ट जो है, डिग्निटी, एक इंटेग्रिटी और डिग्निटी आपकी जो है कभी कम्प्रोमाइज ना हो, कभी किसी मफाद के लिए आप धोखा, फ्रॉड, झूठ, इस चक्कर में ना पड़े, और शॉर्टकट नहीं करना, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं। और ऑनेस्टी और तीसरी बात, इसके हलाल जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं उस स्किल को आप हासिल करें। बस अब ये बताइए, बस आप ये दरसो तदरीस तो खूबसूरत है, आपने बच्चों को मैसेज भी दे दिया यंग जनरेशन को, ये बताइए आप जिस दिन पहले दिन किसी जनरल मैनेजर के यहाँ गए, आप सबॉर्डिनेट थे, वो बताइएगा कैसा रहा, फिर आप जब खुद कमांड में फुल शेरवानी पहनते हुए इतने बड़े इदारे के जनरल मैनेजर बने, हाउ डू यू फील और क्या रवैया है, ध्यानदारी से बताइए। बड़ी इंटरेस्टिंग और सवाल भी है और मैं आपसे शेयर करूंगा बिल्कुल ध्यानदारी के साथ कि मैं जब पाकिस्तान में जब मैंने शुरू किया तो मेरे जनरल मैनेजर जब मुझे बुलाते थे, बड़ा एहतराम है, मैंने उनसे बहुत सीखा है, जब वो मुझे या किसी और जूनियर मैनेजर को बुलाते थे तो पहले तो हमारे ऊपर कपकपी तारी होती थी कि खुदा खैर करे क्यों बुला रहे हैं, ये बुलावा खैरियत का हो, हाँ जी क्यों बुला रहे हैं। और जब हम जाते थे तो हम खड़े होते थे और हम इंतज़ार करते थे कि जी वो अब हमसे बुला के पूछेंगे जी क्यों बुलाया है, सवाल करेंगे। सो क्योंकि वो कमांड एंड कंट्रोल मैनेजमेंट स्टाइल था, तो मैं जब डिसिप्लिन, हाँ जी, जब मैं बाहर गया तो मैं अमेरिकन कंपनी में जब मैंने जॉब शुरू की होटल में, तो पहला ही दिन था मेरा, तो मेरा जनरल मैनेजर अमेरिकन था, उसका नाम ग्लेन पार्कर था, गोरा। मुझे उसका फ़ोन आता है तो कहता है कि जुल्फिकार डू यू हैव ए मिनट, क्या तुम्हारे पास एक मिनट है, कैन आई कम एंड सी यू इन योर ऑफिस, कि क्या मैं आके तेरे ऑफिस में तेरे साथ मुलाकात कर सकता। एंड ही वाज योर बिग बॉस। हाँ, और वो मेरा बिग बॉस था, वैसा ही जैसे पाकिस्तान में जी, जी। वैसे ही वो था। मैंने कहा श्योर इट विल बी ए प्लेजर, आप तशरीफ लाएं। वो जब तक आता मैंने सोचा यार कि कौन सी दुनिया में मैं आ गया हूँ कि जनरल मैनेजर बजाय एम आई ड्रीमिंग अपने पास बुला रहा है, राइट, वो मेरे पास आ रहा है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों आ रहा है, वो होता है क्या जी। अच्छा जी, वो आया, बड़ी गर्मजोशी से मेरे साथ मिला, मुझे उसने अपना कार्ड दिया, कहने लगा मैं तुम्हारा जनरल मैनेजर हूँ, तुम्हारा ये इस ऑर्गेनाइजेशन में पहला दिन है, आई होप यू आर कम्फर्टेबल, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुम यहाँ दूसरे मुल्क में आए हो, क्या करेंसी तेरे पास है, या कुछ थोड़े पैसे तुम्हें दे दें सो दैट तुम अपनी ज़िंदगी शुरू करो, और कोई किसी किस्म की चीज़। मैं कहा नहीं, थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल बड़ा ठीक ठाक कम्फर्टेबल हूँ। फिर अपना कार्ड दे के तो मुझे कहता है कि इफ़ यू नीड एनीथिंग लेट मी नो, जस्ट कम इन। सो अब वो ये था कि मेरे ऊपर, एंड इनफैक्ट चूंकि मैं भी पाकिस्तान से गया तो मैं पाकिस्तानी मैनेजमेंट स्टाइल का ही था, वो कमांड एंड कंट्रोल, लोगों को दबा के रखना, गुस्सा करना, ठीक है, ठंडदारी, हाँ जी, वो पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना। तो मैंने वहाँ पे कहा कि मलिक साहब आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए, आप जो कुछ आप अपने साथ असासा लाए हैं ना, ठीक है, उसको आप ड्रॉप कर दें अगर आपने सक्सेसफुल होना है, और आप कमांड एंड कंट्रोल मैनेजमेंट स्टाइल की बजाय कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट स्टाइल, जिसमें कि लोगों को साथ फ्रेंडली आके आपने चल हार्मोनियस आप, तो मैं फिर वो जो चेंज प्रोसेस है मेरे अंदर, वो किसी के कहने पे मैं चेंज नहीं हुआ, बल्कि ये है कि वो मैं खुद कन्विंस्ड हुआ कि जो लोगों को साथ लेकर चलने का, हाँ जी, जो कल्चर है वो बेहतर है, तो मैंने भी फिर अपना मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया और मैं भी कोलैबोरेटिव हो गया। बुनियाद तो अभी ये जी कि ये बिजनेस आपको पता है, मैं हमेशा अपने स्टाफ को भी ये कहता हूँ जब हमारी मंथली गैदरिंग होती हैं तो स्पीच वगैरह होती है मेरी, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये होटल इज़ लाइक ए बिग मशीन, और हम सब लोग जो हैं इस मशीन के बड़े अहम पुर्जे हैं, कंपोनेंट्स हैं, और अगर इसमें से कोई एक कंपोनेंट भी काम नहीं करेगा तो मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं जा सकती। सो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि जो पुर्जा है वो अपनी जगह पे ठीक हो। कई दफ़ा पुर्जा जो है वो मेल फंक्शनिंग करता है, उसको निकाल के साफ सूफ करके, ठीक है, हल्की ठोकर ठाकी करके वापस लगा देते हैं, डंग टपाओ काम करना शुरू हो जाता है,
नहीं करता तो क्या करते हैं, फिर स्पेयर पार्ट खरीदते हैं, उसको निकाल के फेंकते हैं और दूसरा लगाते हैं। लेकिन मशीन को जो है वो चलना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को होटल कल्चर का नहीं पता, वो सिर्फ ये समझते हैं कि होटल जो है वो खाने और सिर्फ सोने का नाम है, सोने खाना पीना सोए और चले गए, ऐसा नहीं है। मतलब साहब यहीं मैं ऐड कर दूं, मुझे ये बताइए कि ये इतने बड़े 5-star, 6-star, 7-star और ये सुपर स्टार में गरीब आदमी ज्यादा कम नहीं आएगा। सो बड़ा ही सेंसिटिव प्रेस्टिजियस और सो सेंसिटिव कस्टमर है। बाहर का कस्टमर जब आप बाहर थे, यहाँ के कस्टमर में क्या फर्क है और बाहर क्या मुश्किलात थी हैंडल करने में और यहाँ का क्या आसानियाँ हैं, क्योंकि यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है। जी मैं आपसे अर्ज करूँ कि बाहर जो है, क्योंकि वो एक डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, वहाँ पे कोई VIP कल्चर नहीं था। वहाँ पे सब लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, सबको आप एक तरीके के साथ डील करते हैं। हाँ कभी अगर जब हमारे दौर में प्रेसिडेंट क्लिंटन हुआ करता था, प्रेसिडेंट और हेड ऑफ स्टेट आ रहा है या कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहा है तो डेफिनेटली प्रोटोकॉल वगैरह आप देते हैं। सब डिमांडिंग थे, वहाँ डिमांडिंग है, यहाँ देखिए डिमांडिंग अब वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्योंकि कस्टमर जो हैं अब उनको वैल्यू फॉर मनी का पता लग गया। पहले तो ये होता था ना कि पैसे बहुत थे, जाते थे, यू नो, एक स्टेटस के चक्कर में खर्च करते थे। अब ये है कि खर्च करते हैं लेकिन उनको ये भी पता है कि उस खर्चे के अगेंस्ट उनको वैल्यू क्या मिल रही है। डिमांडिंग तो है, जो चीज़ फ़र्क है वहाँ पे और यहाँ पे जनरली स्पीकिंग वो ये है कि वहाँ पे लोग डिसिप्लिन हैं। बस रिसेप्शन पे आएंगे, बड़े बड़े होटलों में हमने काम किया, 2-3 हज़ार रूम्स में, तो अगर लोग ऑटोमेटिकली दे गेट लाइंड अप, वो एक क्यू के अंदर खुद खड़े हो जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वेयर एज यहाँ आपने देखा होगा कि रिसेप्शन के ऊपर एक जमघट्ठा हो जाता है। नहीं यहाँ क्यों, तो यहाँ क्यों बनाना तो स्टेटस के खिलाफ। हाँ जी, क्योंकि वो स्टेटस के खिलाफ, यही अमेरिका में क्यों बनेगी। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो लोग वहाँ पे जाते हैं और बिल्कुल लाइंड अप होते हैं और बड़े डिसिप्लिन होते हैं, यहाँ पे आके तो उनकी ईगो जो है ना वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, राइट। और उनको जब तक आप फूल ना पेश करें और पूरा वो सिलसिला ना करें तो वो जो है वो सेटिस्फाइड। मतलब चूंकि मुल्क ऐसी खौफनाक वेव में जा रहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। सिक्योरिटी के मेजर्स पे शॉर्ट ब्रीफ कीजिए ताकि लोग जब आते हैं तो कॉपरेट करें सिक्योरिटी के साथ। एंट्रेंस पे कुछ एक छोटा एक लम्हे के लिए ये भी बता दीजिए ताकि अवेयरनेस आ जाए, फिर हम कस्टमर सर्विस से पे बात करेंगे और फूड पे भी आपसे एक आध मिनट लेंगे। जी हाँ, देखिए अब सिक्योरिटी जो है वो अब टॉप प्रायोरिटी बन गई है, ख़ास करके ये जो बिजनेस है हमारा, इसके अंदर अगर आपकी सिक्योरिटी जो है वो सही नहीं है, प्रॉपर कवरेज नहीं है, तो देर इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी कि जो लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो किसी न किसी रास्ते से अल्लाह उनको डिस्ट्रॉय करे और डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि ये एक सॉफ्ट टारगेट है उनका और इसकी बड़ी हाइप क्रिएट होती है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और आगे पीछे। जानी नुकसान माली नुकसान तो अपनी जगह पे है। सो दैट्स वाई अगर मैं देखता हूँ कि जब मैंने कैरियर शुरू किया तो होटल में एक या दो सिक्योरिटी के लोग होते थे, वो सिर्फ इसलिए होते थे कि अगर लोग अपना स्टाफ जा रहा है बॉडी सर्च की, कहीं कोई चीज़ चोरी करके तो नहीं लेके जा रहे, या कोई अगर दो गेस्ट के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो गया बीच में आके बच बचाव करें। लेकिन अब ये सिक्योरिटी जो है ये टॉप हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। जी बहुत बड़ा खर्चा, आप ये देखिए कि हम बहुत बड़ा खर्चा हमारा सिक्योरिटी के ऊपर है। हमारे पास इस वक्त 390 कैमराज लगे हुए हैं इस प्रेम, चूँकि ये लार्जेस्ट होटल इन पाकिस्तान है। इसके अलावा आपने देखा होगा अराइवल के ऊपर स्टेशनरी ब्लॉकर्स, यू नो, गार्ड्स, आर्म गार्ड्स हैं, क्विक QRF जिसे हम कहते हैं, क्विक रिस्पांस फोर्स। मर साहब हमारी सिविलियंस भी हैं सिविल ड्रेस के अंदर फौजी। मर साहब सर हमारी गपशप अभी जारी रहेगी, हम आपके साथ वॉकिंग गपशप करेंगे, आपके स्टाफ से मिलेंगे, आपके अमले से पूछेंगे और माशाल्लाह चश्मे बदूर आप हंसते मुस्कुराते हैं तो नीचे अमला भी आपका हंसता मुस्कुराता है, कस्टमर्स खुश हैं। ये कोई बटराइजेशन नहीं, मैं रैंडम चेक्स में भी कभी कभार आ जाता हूँ, मैं भेस बदल के गपशप करते हुए दोस्तों को मिलने आ जाता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी तालीम का दर्स मुझे नीचे मिले ना। मलिक साहब हम आपके अमले से मिलते हैं और फिर गप्पे मारते हैं, आपके लोगों से भी पूछते हैं कि मलिक साहब गोरे तरह ट्रीट कर दे रहे या दब के मार दे रहे। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम।
स्विमिंग पूल देखिए, बड़ा सारा एरिया देखिए, और हम दुआगो हों कि परवरदिगार हमारे दोस्त को और तरक्की दे। आज मेरे नौजवान साथी उसने इतफाक है जब हम गाँव बागवान में शुभ करने के लिए यहाँ पहुँचे। मुझे एकदम ख्याल आया कि हर कॉन्टिनेंटल दो पी का जो बहुत बड़ा हिस्सा आप उसमें बड़ा हिस्सा आता है, एक क्रू है मेरा लविंग क्रू ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस गोइंग टू गाजा मुकद्दस। फ्लाइट कौन से लेके जा रहे हैं? मेरे साथ यंगस्टर सीनियर ऑफ दिस फ्लाइट पाकिस्तान मौजूद है, इनसे पूछते हैं और हमारी फ्लाई मेजबान सरल कंटेंट के हम उसे अभी सच करके तैयार नहीं है। हम अधिकारी में खरीद से लेके जाइए कैसे थैंक यू मैम। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि ही इज़ ए एंथुसियास्टिक प्राइम मिनिस्टर फॉर गॉड से जिन लुटेरों ने जिन्होंने इसको नुकसान पहुँचाया है, इम्पोर्टेड मैं तो इम्पोर्टेड दरामदी गोरे कहता हूँ, खुदारा उनसे जान छुड़ाइए। ये जहाज़ों के नाम पर, ये पुर्जों के नाम पे, ये टायरों के नाम पे, ये बिल्डिंगों के नाम पे, ये लूटने वाले खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके पाकिस्तान से गुजारिश है, इनसे जान छुड़ाएँ। देखिए ये सारा दिन मेहनत करते हैं, ये 12 घंटे की फ्लाइट पाँव के छाले पड़ जाते हैं, मैं इनका हिस्सा रहा, मुझे पता है ये सिर्फ सफ़ेद वर्दी खूबसूरत वर्दी में मलबूस हंसते मुस्कराते चेहरे आपकी खिदमत करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आप इनके एहतराम को मौजूद करते हैं, मुझे हाथ रखिएगा। मैं जोर से कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड ऑफ कोर्स बाथमार लोग जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, विश यू वेरी प्रेजेंट फ्राइडे, एंड जुमे को आता है बाथमार लोग रॉयल न्यूज़ पे लाइव। थैंक यू नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी,
आज देखिए हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान जब बना, जिन्होंने बनाया क्या बाकमाल लोग थे, क्या सोच थी कि हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे, कुछ नहीं था बना, चार पहियाँ टूटी हुई भी नहीं थी, साइकिल नहीं था, तो मालिक ने इस मुल्क को भाग लगा दिया, रंग लगा दिया, यहाँ कई सदरुद्दीन पैदा हुए, दरवेश लोग पैदा हुए, सैगल पैदा हुए, फलां पैदा हुए, जायदादें बन गई, फिर जो बदबخت कहते हैं कि हमें इस मुल्क ने क्या दिया, उनके ऊपर तो उनके लिए तो दुआ ही कर सकते हैं। देखिए अभी आपको हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बाकमाल क्रू से मिलवाया जो यहीं ठहरा, दो पी सी और पी आई लाजमो मलजूम। हमारे साथ इस वक्त पल कॉन्टीनेंटल के डिप्टी चेयर मैनेजर जनाब नदीम रियाज चॉइस साहब मौजूद हैं। हम आपकी बात मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये इस वक्त जहां लॉबी जो ब्यूटीफुल मोस्ट स्प्लेंडेड लॉबी में मौजूद हैं, जहां माड़ा बंदा नहीं आ सकता, चॉइस साहब से पूछते हैं कि चॉइस साहब इस वक्त कितने फ्लोर हैं, कितने रूम्स हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ खड़े होकर ये नहीं लगता कि हम किसी गरीब मुल्क के बाशिंदे। चॉइस साहब सलाम अलैकुम। चॉइस साहब कैसे हैं आप? अल्लाह के भाई साहब, ये जो लॉबी है इतनी हसीन और जमील लॉबी, और इसमें आप जैसे मलक साहब जैसे सोने, और फिर आपका अमरा स्मार्ट हंसता मुस्कुराता, कितने रूम्स हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं, कितने रूम्स हैं? सर इसमें 600 रूम्स हैं हमारे। इन दिस कंपाउंड? इन दिस कंपाउंड एक्सक्लूडिंग ओल्ड बिल्डिंग? नो, दिस इज इंक्लूडिंग ओल्ड एंड न्यू बिल्डिंग। टोटल वी हैव अबाउट 600 रूम। 600 रूम है इसमें हम जो सेंटर के लिए। और नॉर्मल इस सीज़न में ऑक्यूपेंसी कैसी है? इस सीज़न में जैसे आज हमारी ऑक्यूपेंसी 87% है माशाल्लाह, और इस सीज़न में अगला पूरा माह हमारा 87% चौ साहब। तो फिर कौन कहता है कि लाख बदबخت कहते रहे हैं कि दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों की हमने कमर तोड़ दी है, और 87% का मतलब है कि हमारे यहाँ खुशहाली है इंशाल्लाह, और आगे मज़ीद खुशहाली होगी, मज़ीद बेहतरी होगी। सी पैक की वजह से हमारे पास काफ़ी सारे फॉरनर्स हैं, और ना सिर्फ हमारे पास चाइनीज़ आते हैं, हमारे पास लोग सब चले आइए, लोग आते हैं डिफरेंट कंट्री से, जैसे बहरीन से, यूरोप से और अमेरिका से, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सीपैक की वजह से। मतलब है चौसा डरे हुए मुल्क में ना पॉपुलर कौन लग रहा है, उसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दुश्मन को बनाने में उसका पीछा कर रहे हैं, हमारी फौज स्ट्रॉन्ग है, हमारी हकूमत की डिटरमिनेशन स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहा, हम ना सिर्फ पीछा कर रहे हैं उनको, हम टेररिज्म तो दुनिया में कैनेडी को जॉन एफ कैनेडी को तो किसी मुसलमान ने नहीं मारा है, ठीक है, आयरलैंड के जरिए जंगों में हमने नुकसान नहीं किया था, हमारे ऊपर तो हम आज भी बहुत देख पा रहे हैं, और पड़ोसी सारा दिन खत्म करते हैं, और उनके लोग छुटका हुए क्लोजिंग में इशारा कर दो, बैटरी लो है, इधर लग के ले आते हो 100% देनी चाहिए इस टाइम, और मैं हैरान हूँ, हैरान हूँ कि देर क्यों की थी, हम कल क्यों इनका, और जैसा मैं ये कहूँगा आप कह सके ना कह सके, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बदबخت मूल के दुश्मन हैं, जो उनको अपने घरों में कराते हैं, उन घरों को विश्वास कर देना चाहिए, तकरीबन 970 ऑपरेशंस आउटलेट हैं, जिसमें हर किस्म के खाने, जिसमें कॉन्टिनेंटल हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे पास इटालियन रेस्टोरेंट है, इसके बाद जैपनीज है, चाइनीज़ है, और इसके अलावा पाकिस्तानी बारबेक्यू है, उस पर ये भी काफ़ी लोग सर माइक। उसके बाद अभी अगले हम सितंबर अक्टूबर से जो हमारा पाकिस्तान का बिगेस्ट बैंक्वेट हॉल है, और वो भी बनने जा रहा है, जिसमें 38,000 के बिगेस्ट बैंक्वेट हॉल। जय साहब थैंक यू वेरी मच। जय साहब आपने ब्रीफिंग दी, और यकीन आपके इस खूबसूरत अल्फाज से लोग खिंचे चले आएँगे कि चलो चलो पी सी चलो, यहाँ चाइनीज़ रेस्टोरेंट बन रहे हैं, यहाँ रौनके लग रही हैं, सी पैक ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी है, और अब क्या कह रहे हैं लाइन बनाओ, टिकट कटाओ के लाहौर आओ।
सर चले अंदर, आप चले अंदर, चले अंदर चले, आप भी चलो, आप भी चलो। क्यों क्यों बोल नाजी, यकीन आपको ये तमाम बाकमाल लोग और आप खुद बहुत हैरान हुए होंगे कि जिन लोगों ने, जिन अजीम शख्सियात ने, जिन बाकमाल शख्सियात ने दो कौमी नजरिए के तहत बंटवारे को कहा लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान बना तो हम बिल्कुल मुफलसी की लकीर पे थे, लुटे पुटे काफले आए थे, फिर किसी ने कहा कि हम महाजर हैं, लेकिन नहीं, ये मुल्क इस अंदाज से बनाया गया, इस्लामी मुल्क बनी 27वीं की शब्द बना और रियासत ऐसी बनी कि यहाँ फिर दिन दुगनी रात चौगी तरक्की हुई, डैम्स बने, तरक्की हुई, राहें हम खानते गए और आज हम सी पैक चाइना के साथ सलामत है, चाइना हमारा दोस्त, और सी पैक को फिर पर लग गए, तमाम दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं, देखिए कारोबार चलने के लिए इदारे फलने फूलने लगे और दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म होने लगा, बर्बाद होने लगा। हम आशवानी साहब के बेहद ममनून हैं कि उनके उनकी टीम ने हमें यहाँ मदद किया, दावत दी और आज हम जिस खूबसूरत इदारे में तमाम बार बार कर रहे हैं, देखिए शान शौकत क्या है, कौन कहता है कि ये दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, अल्लाह हमें सलामत रखे, इस झंडे को सलामत रखे, इस मुल्क को सलामत रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और फिर अगर आप हम मेहनत करते रहे तो इस जैसे कई होटल बनेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, दुश्मन देश तो नाबूद होगा और सब मिलकर के एक किनारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।